कौन है? कृपा। तो भाई आखिर तुम्हें मेरा आइडिया काम आ ही गया। बस कल ही अपना हाले दिल बयां किया और आज जवाब भी मिल गया, वो भी हाँ में। Really, I'm very happy for you. वैसे मिष्टी, ये लेटर वाला आइडिया थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है, पर कोई बात नहीं, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने का ये अच्छा तरीका है और तुम्हारे काम भी आया। लेकिन अगला स्टेप जो है वो इस जमाने के हिसाब से उठाओ और फटाफट उसे डेट पर ले जाओ। Yes, mom. Actually, वो बस उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। Oh, really? Yes, really. क्या हुआ? यहाँ पर पास ही बहुत फेमस देवी माँ का मंदिर है। कृपा, ये लो, दो और जिंदगियां शहीद हो रही हैं पुराने रीति रिवाज के फेरों में। मुझे समझ नहीं आता लोग ये सब नाटक क्यों करते हैं। अब तुम लिपस्टिक होंठों पे लगाओ या सिंदूर मांग में लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क है दोनों में। ये सब आउटडेटेड है। प्लीज, तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम सिंदूर की ताकत को नहीं जानते। वो एक ताकत है, एक कमिटमेंट, जो एक लड़का एक लड़की की मांग में सिंदूर भर कर करता है, जिंदगी भर साथ निभाने की कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट लिपस्टिक लगाकर सिंदूर जैसी आसान तो नहीं हो सकती ना। ओ कम ऑन, रिश्तों की ताकत सिंदूर से नहीं होती बल्कि आपसी कन्वीनियंस से होती है। अगर आज मेरे डैड और मॉम एक साथ हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरे डैड ने मेरे मॉम की मांग में सिंदूर भरा, वो इसलिए क्योंकि उनका काम एक है, उनका उनका लक्ष्य एक है, और मेरे ख्याल से अगर वो एक साथ रहेंगे तो उनके लिए कन्वीनियंट है। ये रिश्ते सिर्फ एक समझौते की तरह होते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, सच्चाई नहीं। मेरे मॉम डैड ने भी शादी की है, इसलिए नहीं क्योंकि वो साथ में कोई गोल पाना चाहते थे या कोई लक्ष्य पर पहुंचना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे का साथ चाहते थे, प्यार करते थे एक दूसरे से। अंगद,
भले तुम्हारे लिए किसी लड़की के शरीर पर लिपस्टिक से साइन करना और किसी लड़की के मांग में सिंदूर भरना एक ही बात होगी, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि लिपस्टिक बिकती है लेकिन चुटकी भर सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर तो सारी कायनात की दौलत देने पर भी नहीं मिलता। एक लड़की चाहे तो कभी भी अपने लिए जाकर एक लिपस्टिक खरीद ला सकती है, लेकिन सिंदूर के लिए उसे किस्मत चाहिए, और इसकी कीमत है समर्पण। शादी में लोग एक दूसरे के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने तो सिर्फ लोगों को खुद के लिए जीते देखा है ना। हाँ, एक और बात सुन लो, जब सिंदूर का रंग किसी की मांग पर चढ़ता है तो वो इज्जत देता है, और जब वही रंग किसी के तन पर लिपस्टिक बनकर किसी के शरीर पर चढ़ता है तो वो जिल्लत और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं देता। काम की बातें काफी हो गई, अब कुछ अपनी बातें करें। Why not? तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा टूर? बस पूछो मत, सारा वक्त लीगल फॉर्मेलिटीज में निकल गया। Anyway, forget it. मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है कृपा के बारे में। Actually, मैं भी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। मिष्टी और अंगद के बारे में? नहीं, मैं मिष्टी से बात नहीं कर पाई अभी तक। तो फिर? नैना, मैं पृथ्वी की सगाई करना चाहती हूँ कृपा के साथ। सरप्राइजिंग नो? एक्चुअली मुझे भी इतनी ही हैरत हुई थी जब मुझे आज ही मालूम पड़ा कि मेरा बेटा कृपा से प्यार करता है। मैं इन दोनों की शादी जल्द से जल्द कराना चाहती हूँ। हाँ, कृपा एकदम हमारी बेटी जैसी है, हमारे खानदानों का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं उनके पेरेंट्स के साथ जरूर बात करूंगी, मेरा कहना वो बिल्कुल नहीं टालेंगे। सो नाइस ऑफ यू, मैं जानती थी कि तुम मेरा ये काम जरूर करोगी। थैंक यू। डोंट वरी, मिष्टी से जरूर बात करना। हाँ, दोनों की शादी एक साथ कराएंगे। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, मैं आज ही मिष्टी से बात करूंगी। एंड नाउ आई मस्ट गेट गोइंग। बाय। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे कृपा के बारे में और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस अब जल्द से जल्द कृपा और पृथ्वी की शादी हो जाए तो वो लड़की अंगद और हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगी। हाय मामा। हाय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात मामा? तुम्हें अंगद कैसा लगता है? अंगद ठीक है, अच्छा दोस्त है मेरा। मैं तुम दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदलना चाहती हूँ। अंगद स्मार्ट है, फेमस है, रिच है, और तुम्हारा अच्छा दोस्त भी है, तो अगर तुम दोनों की शादी हो जाए तो क्या हर्ज है? और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी तो हो ना बेटे? लेकिन मम्मा मैं... बेटा मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है। अच्छा चलो मेरे लिए गाना गा दो। तो तुम कह रही हो तो अब तो गाने पड़ेगा। तुम गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, कितने दिन और सिंगल रहोगी? मेरी मानो, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। नहीं मामा, एक्चुअली नहीं बेटा, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो ना शादी के लिए। ठीक है। नहीं मामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसे भी हम एक दूसरे को जानते हैं एंड ही इज ओके, ठीक ठाक ही है। वही तो, देखो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो तुम्हारी नजरों में ना एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट, यू नो, किसी ऐसे से नहीं जो तुम्हें एकदम बस ठीक ही लगे। हा? और अंगद तो ठीक ही है ना? नहीं मामा, रियली अंगद इज द बेस्ट। आई मीन वो मैं मामा आप भी ना, तो मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझू? मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा है, आज ही मैंने पृथ्वी की शादी की बात की है और अब तुम अंगद से शादी करने के लिए राजी हो गई हो। दिस इज सो ग्रेट। दोनों शादियां एक साथ? हाँ, एक माँ इससे ज्यादा और क्या चाह सकती है, बोलो। क्या करूं, लेटर दूं या नहीं?
पता नहीं कृपा आई है या लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह आखिरी खत होगा। मतलब ये खत पढ़ने के बाद सारी बातें साफ हो जाएंगी। बाय हर्षनी। क्या आज रात हम गार्डन कोर्ट रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर कर सकते हैं? आ गया। जो इंसान मंजिल पर पहुंचने की इतनी घाई में रहता है हमेशा, वो आज मंजिल के इतने करीब होकर धीरे क्यों चला रहा है? क्योंकि मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं, इसलिए। आज तो मैं कृपा को बताकर ही रहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। वैसे तो वो लेटर पढ़कर सब कुछ समझ गई होगी, फिर कहने की क्या जरूरत है? फिर भी कहूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। भाई, तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे आज ही कृपा के साथ शादी करके घर आओगे। तुम कहो तो मामा और मैं गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू कर दें। मिष्टी, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। नहीं भाई, देखो कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। तुम्हें लगता है कि कृपा को ये पसंद आएगा? ऑब्वियसली अंधी थोड़ी है। यू नो, आई विश मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर होती और तुम्हारे गोल्डन वर्ड्स सुन पाती। आई लव यू कृपा। आई लव यू पृथ्वी। आई लव यू। प्लीज कृपा, अब मुझे और परेशान मत करो। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। पता है हर्षनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम जिसे चाहती हो वो भी तुम्हें चाहता है। I just hope तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पता है कृपा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे मैं ठीक लग रही हूँ ना? क्या? ठीक नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा चलो, अब चलते हैं। चलते हैं? तुम नहीं होगी मेरे साथ? पागल हो गई हो? मैं नहीं आ रही। Come on कृपा। नहीं, वरना पृथ्वी कहेगा कहाँ से कबाब में हड्डी आ गई। तुम जाओ। देखो, तुम पृथ्वी से मिलना और चले जाना, बाकी मैं संभालूंगी। चलो ना प्लीज। हर बार अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आ गई आपकी मंजिल। बाय, ऑल द बेस्ट। तुम नहीं आओगी पृथ्वी से मिलने? जल्दी जाओ, पृथ्वी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्लीज कृपा, पृथ्वी क्या सोचेगा? पृथ्वी सोचेगा कि किसे बुलाया था और कौन आ गया। प्लीज कृपा चलो ना, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जाऊंगी? देखो वो इंतजार कर रहा है, चलो जल्दी जाओ जाओ। ओके हर्षनी। थैंक्स। कृपा, I like you. नहीं 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 कृपा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. Hi.
हर्षनी, कृपा तुम्हारे साथ नहीं है? उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। हैव अ सीट। तुम कुछ लोगी? नो थैंक्स। कृपा को क्या हो गया? कुछ खास नहीं, एक्चुअली वो पूना गई थी ना, ट्रैवलिंग में थोड़ी थक गई होगी। तबीयत ठीक नहीं तो अपनी जगह हर्षनी को भेज दिया ताकि मैं बोर ना हो जाऊं। अब आपको कहाँ चलना है मीम साहब? अंगद साहब के घर। अंगद साहब? कौन से अंगद साहब? अंगद साहब द ग्रेट सिंगर। अंगद खन्ना? मैम साहब मैं भी उनका फैन हूँ, आप उन्हें कैसे जानती हैं? मैं उन्हें नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं आपको उनका गाना सुनवाता हूँ जरूर। मैं बिना उनका गाना सुने कोई काम नहीं करता। हे भगवान, ये अंगद मेरा पीछा कब छोड़ेगा? क्यों मैं उसे याद कर रहा हूं? क्यों बार बार वो मेरी यादों में चली आती है? क्यों उसकी यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? अब मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, बहुत हो गई अंगद और उसके म्यूजिक की दीवानगी। अच्छा वो कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी। मैं यहाँ रहूं या कहीं और, मुझे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ रुकती भी है तो मुझे क्या, She means nothing to me. मुझे उसके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोच रहे हो पृथ्वी? नहीं कुछ नहीं। ओह गॉड, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बस वॉशरूम होके आता हूँ। कहाँ खो गए तुम? कहीं भी तो नहीं, तुम बैठो ना, मैं भी आती हूँ। ओके। अमिता। हाय हर्षनी, तुम यहाँ कैसे? आई मीन इतनी रोमांटिक जगह पे अकेले क्यों? नहीं मैं वो किसी के साथ। किसके साथ? पृथ्वी के साथ। ओह तो अपने होने वाले जीजा जी के साथ आई हो। जीजा जी? ये क्या कह रही हो तुम? तो? अब ये मत बोलना हर्षनी कि तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। क्या नहीं पता? सॉरी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और कृपा तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया कृपा ने मुझे? यही कि कृपा और पृथ्वी एक दूसरे को चाहते हैं। इनफैक्ट अब तो उन दोनों की शादी भी तय हो रही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।